नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद, थाना मुगलपुरा। तारीख थी 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 को शाम के वक्त कोई 4 बजे एक बुजुर्ग महिला फूल जहां अपने बेटे की सबसे बड़ी बेटी आलिशा, जिसकी उम्र कोई 18 साल रही होगी, उसको लेकर एक टेम्पो में थाने पर पहुंची। थाने पर जाकर उसने बताया कि मेरी बेटी आज बीए में अपना एडमिशन कराने गई थी और वहीं अमान नाम के एक लड़के ने इसको बता के जहर दे दिया। इसकी हालत नाजुक है। पुलिस वाले भाग के आए और उन्होंने देखा, वास्तव में लड़की बेहोश थी और मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने फूल जहां से कहा कि देखो, फौरन इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ, पहले इसकी जान बचाओ, FIR हम लिख ही लेंगे और अपराधी को गिरफ्तार कर ही लेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो, इसे ले जाओ फौरन अस्पताल। फूल जहां उसे लेकर अस्पताल गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी बड़ी लापरवाही हुई और उसे पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भर्ती कर दिया गया और उस दिन कोई भी उसको, उस रात उसे कोई भी देखने नहीं आया, उसकी सुधि नहीं ली किसी डॉक्टर ने। सुबह होते होते अलीशा की हालत नाजुक होने लगी। सीरियस होने पर भाग दौड़ की फूल जहां ने, तो उसने उसको ये बताया गया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसे हायर सेंटर यानी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। इस बीच में मदद मरीज के लिए उसकी एक मौसेरी बहन मुस्कान भी वहां पहुंच गई। फूल जहां और मुस्कान उसको लेकर वहां से, हॉस्पिटल से फिर मुगलपुरा थाने आए। बोले साहब देखिए, इसकी तबीयत अब बहुत नासाज है, बहुत सीरियस हो गई है, डॉक्टर्स ने भी लिख दिया है कि ये सीरियस है, इसको हायर सेंटर यानी बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है, कम से कम अब तो मेरी FIR लिख ली जाए। मुगलपुरा थाने के पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुमको जान बचाने की फिक्र नहीं है कि बच्ची की जान बचाओ, तुम्हें बस यही लग रहा है कि पुलिस फौरन उसको अरेस्ट कर ले, जाइए पहले इसकी जान बचाइए। ऐसा कह के मुस्कान फूल जहां और उस मरणासन्न लड़की को लेकर को थाने से भगा दिया और फूल जहां उसे लेकर चिरंजीवी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां भर्ती होने के 6-8 घंटे बाद तक भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर उसको वहां के डॉक्टर्स ने भी हायर सेंटर में रेफर कर दिया कि आप बड़े सरकारी अस्पताल में इसका इलाज कराइए, बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी या गैर सरकारी, नाम भी ज़रूर बताया होगा कि आप इसे ले जाइए और इसका इलाज कराइए। फौरन एम्बुलेंस की व्यवस्था की उस बुजुर्ग दादी ने और ये दोनों एम्बुलेंस से बताए हुए उस हायर सेंटर की तरफ जैसे ही चले हैं, एम्बुलेंस के भीतर ही उस नौजवान लड़की अलीशा ने दम तोड़ दिया। जैसे ही उसने दम तोड़ा वैसे ही फिर मुस्कान और फूल जहां भाग के आ गई थाने मुगलपुरा पर और कहा कि लीजिए साहब, अब तो वो लड़की भी मर गई, अब भी FIR लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। पुलिस वालों को लगा कि बात या पानी अब नाक के ऊपर हो गया है, अब हमें FIR लिखनी ही पड़ेगी। पता नहीं कोई क्या दोष है इस पुलिस में, जिसमें मैं इतने सालों रह के आया हूँ, अपनी आंखों से भी देखा है मैंने इसे, FIR लिखने में जो हीला हवाली होती है,
कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पुलिस की बात कर रहा हूं। FIR लिखने के नाम पे 150 रेडीमेड बहाने बता दिए जाते हैं, पहले ये करा लीजिए, पहले वो करा लीजिए, फोटो ले आइए, कहाँ की बात है, इस थाने की नहीं है, उस थाने की है, कहाँ पर घटना शुरू हुई थी, जहाँ से घटना शुरू हुई थी वहाँ जाके लिखाइए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ 150 बहाने हैं अपने यहाँ से उस वादी को टरकाने के। बहरहाल जब उन्होंने मृत्यु की सूचना दी, फौरन तहरीर पे मुकदमा लिखा गया, पुलिस फौरन हॉस्पिटल पहुंची, वहां से बॉडी को कब्जे में लिया, सील बंद किया, उसका पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। तब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और ये देखा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दबिश दी गई और दबिश में वो आमान मिला नहीं। बहरहाल उसको घेर घार के अगले दिन शाम तक पुलिस अरेस्ट करके ले आई। ये पता लगा कि यहाँ रहने वाले, मुगलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले तंजीउल रहमान पेशे से नाई हैं। वो शहर में ही एक दुकान चलाते हैं, घर में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। मृतक जो मृतका थी अलीशा उर रहमान, उम्र इसकी 17 वर्ष ही थी और वो बच्चों में सबसे बड़ी थी। उसके 3 छोटे भाई थे। आप ध्यान करिए कि कल और परसों जो मैंने अपराध बताए हैं वो बिल्कुल इसी तरह के हैं, इसी लाइन में हैं। अलीशा उर रहमान यानी अलीशा की माँ मेंटली अनस्टेबल है और दादी फूल जहाँ ही चारों बच्चों की देखभाल और उनका लाड़ प्यार वही करती थी। बाप कमा के ले आता था और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर उसने लगा रखा था। अलीशा ने इसी साल यानी 2023 में शहर के मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज से इंटर पास किया था। उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था और घटना वाले दिन ही यानी 20 जुलाई को वो एडमिशन लेके ही वापस घर की तरफ चली थी या घर को चलने वाली थी। उसकी बहन मुस्कान ने, उसकी चचेरी बहन मुस्कान ने बताया कि 20 जुलाई को वो जो कॉलेज में एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करके लौट रही थी तभी आमान उसे मिल गया, जो एडमिशन की फॉर्मेलिटी के समय ही उसके साथ था। ऐसा लग रहा था कि वो भी अपना एडमिशन ही कराने गया था। मैंने जो बातचीत सुनी उससे ये लगा कि आमान के पास किसी तरह से अलीशा का मोबाइल फ़ोन आ गया था। अलीशा उसे अपना मोबाइल फ़ोन देने के लिए कह रही थी और आमान ये कह रहा था कि रेस्टोरेंट में चलना होगा वरना ये मोबाइल फ़ोन तुम्हें नहीं मिल सकता। अलीशा को वो ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में ले गया। मैंने देखा कि ये अलीशा और आमान रेस्टोरेंट में गए हैं, मैं वहीं से वापस अपने घर आ गई। मुस्कान ने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि किसी बात से या किसी बात पर वो उसको परेशान कर रहा था। वो बार बार फ़ोन के लिए ही गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा फ़ोन वापस कर दो और वो हर बार यही जिद कर रहा था कि तुम चलो पहले तुम्हारा फ़ोन हम देखेंगे रेस्टोरेंट में। वहाँ पर रेस्टोरेंट में ले गया और ऐसा लगता है 1-2 थप्पड़ भी उसने उसको रास्ते में रेस्टोरेंट में जाते समय मारे थे। अलीशा के चेहरे पे उन थप्पड़ के निशान भी बने हुए हैं। फिर उसने बताया कि जब वो वहाँ से भागती हुई घर पर आई थी तो घर के दरवाजे के सामने ही गिर गई थी। दादी फूल जहाँ ने घर के दरवाजे के सामने ही उसे गिरा हुआ देखकर उससे पूछना शुरू किया। उसने सीधे सीधे बताया कि मुझे आमान ने ये बताया है कि मुझको उसने कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने वाली दवा पिला दी है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो गई
तभी आवाज़ लगाकर मुस्कान को बुलाया गया और मुस्कान और फूलजहां दोनों उसको लेकर मुगलपुरा थाने गए, जहां से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो बर्ताव डॉक्टरों ने उसके साथ किया वो भी कहने की बात नहीं है, मैं बता चुका हूँ। और फाइनली यानी अंत में इस 17 साल की नौजवान लड़की की, जिसने बहुत से सपने समेट रखे होंगे आगे के ज़िंदगी के, उसकी मौत हो गई। आज की घटना, देखिए आज की घटना में भी सीधे तौर पर जो घटना हुई है वो मोबाइल देवता के कारण ही हुई है। जिस लड़की से उसकी बातचीत हो रही थी यानी अलीशा से, शायद पहले से उससे उसकी बातचीत हो रही थी और अचानक बातचीत बंद हो गई, कुछ दिन से बंद थी। उस दिन दोनों ही एडमिशन लेने के लिए कॉलेज पहुंचे। ऐसा लगता था कि दोनों ने शायद एक दूसरे को ये बता रखा था कि फलां तारीख को हम एडमिशन के लिए जाएंगे। फलां तारीख क्या, तारीख 20 जुलाई 2023 को। वहां जैसे ही पहुंचे दोनों में आपस में बातचीत हुई, जैसा आमान ने अपने बयानों में बताया कि मैंने सीधे तौर पर उससे कहा कि तुम्हारा अफेयर किसी और से हो गया, इसीलिए तुमने मुझसे बातचीत बंद कर दी। उसने ये कहा कि अगर मैंने बातचीत बंद की होती किसी और के चक्कर में तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताती कि मैं आज एडमिशन लेने आ रही हूँ। मैंने इसलिए बताया था कि कॉलेज में हम लोग चलेंगे और आज पहले दिन ही हम लोग बातचीत करेंगे, अगर तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे दूर कर देंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अचानक आमान ने झटके से उसका मोबाइल छीन लिया और ये बताया कि अभी तुम अपना जो पैटर्न लॉक है उसका सीक्वेंस बता दो, मोबाइल खोल के मैं अभी तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्यों मुझसे दूर हो रही हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। अलीशा ने कहा मेरा फोन वापस कर दो। वो कहता रहा पैटर्न लॉक का सीक्वेंस बता दो, अभी खोल के देख लूंगा, दो मिनट में वापस कर दूंगा। अलीशा ने कहा नहीं मेरा फोन वापस कर दो। इसी बीच में लड़की वो गिड़गिड़ाती रही और वो केवल फोन के लिए जिद करती रही, रोने भी लगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के नौजवानों की, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मोबाइल में इनकी जान बसती है, क्योंकि इनकी उम्र के या इनकी जवानी के सभी स्याह सफ़ेद किरदार और यादें इसी मोबाइल में कैद होती हैं, अच्छा बुरा सब इसी मोबाइल में है। कौन सी याद, कौन सी बातें, कौन सी फोटो और कौन सी वीडियो किसको शेयर करनी है, किसको शेयर नहीं करनी है, किसको शेयर करने से आफत होगी, किसको शेयर न करने से आफत होगी, ये सब इनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। इसलिए लड़का बार बार ये कह रहा था कि पैटर्न लॉक का सीक्वेंस बता दो, अभी मैं भी इत्मीनान में हो जाऊंगा और तुम भी इत्मीनान में हो जाना कि मेरा जो शक है वो सही है कि गलत है। ये सब कहा सुनी जब स्कूल कैंपस से निकलने वाले रास्ते पर हो रही थी, तभी लड़के ने ये महसूस किया कि कई लड़के लड़कियां जो वहाँ एडमिशन लेने गए थे उनके कान इनकी बातचीत की तरफ लगे हुए थे। उसने कहा कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, सबके सामने सारी बातें करना ठीक नहीं है, लिहाजा तुम रेस्टोरेंट में चलो, वहीं सीक्वेंस का पैटर्न बताओ, पैटर्न लॉक का सीक्वेंस बताओ, मैं खोल के उसे देख लूँगा और फिर तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूँगा। वो मना करती रही कि मैं कतई नहीं जाऊंगी वहाँ रेस्टोरेंट में, लेकिन वो सीधे वहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। मजबूरी में अलीशा भी उसके पीछे पीछे चली गई, जाकर वो एक कुर्सी में बैठ गया। उसने एक ही रट लगा रखी थी
पैटर्न लॉक का सीक्वेंस बता दो। उसने भी एक ही रट, एलिशा ने भी लगा रखी थी, पहले मेरा मोबाइल वापस करो। इसी बीच में बजाय वेटर को बुलाकर चाय, ठंडे पानी या जिस चीज़ का ऑर्डर करना था वो करने के, लड़का खुद, आमान खुद उठकर रेस्टोरेंट के पास जो टेबल होती है वहाँ पहुँच गया और वहाँ से दो कोल्ड ड्रिंक ले आया खुलवा कर। लाते समय एक कोल्ड ड्रिंक में उसने चूहा मार की दवाइयाँ 3-4 टेबलेट डाल दी। वो पूरी तैयारी से, पूरे दिमाग से आया था। जिसमें वो दवा डाली थी वो रख दिया उसने अलीशा के सामने और दूसरी उसने स्वयं पीनी शुरू की। फिर वही बातें, मोबाइल दे दो, पैटर्न लॉक का सीक्वेंस बता दो, केवल यही बातें। ये दोनों में जिद, बात होते 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 जब ये काफी खिसक गई, थोड़ा थोड़ा दोनों ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक समाप्त हो गया। कोल्ड ड्रिंक के समाप्त होते ही आमान ने कहा कि ये मोबाइल फोन ले लो और ले जाओ, मुझे सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर तुम क्लीन होती तो फौरन सीक्वेंस बता के, मोबाइल का लॉक ओपन करा के मुझे जो शक है वो देख लेने देती, तुम्हारी चैटिंग के डिटेल, व्हाट्सएप कॉल ये सब मैं देख लेता, मेरा डाउट क्लियर हो जाता, तुम भी हंसते हुए जाती, मैं भी हंसते हुए जाता। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुमने जरूर किसी दूसरे के चक्कर में मुझसे बात करनी बंद कर दी है। अभी तुम्हें थोड़ी देर में ये पता लग जाएगा कि किसी को धोखा देने पर क्या होता है, किसी को चीट करने पर क्या होता है, किसी को परेशान करने से क्या होता है। तुमको मैंने चूहे मार दवा पिला दी। ये सुनते ही वो लड़की मोबाइल लेके घर की तरफ भागी, अलीशा, और आमान दूसरी तरफ चला गया। लेकिन चूंकि 4-5 टेबलेट उसमें मिलाई गई थी, वो घर के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गई और अपनी दादी फूल जहां को पूरी बात बता दी। देखिए, ये चलन जब से ये सोशल मीडिया ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स, ये सब आए हैं, चैटिंग के तमाम ऐप्स चलने लगे हैं, सबके लिए ये आसानी हो गई है एक दूसरे से बातचीत करना। नया मिल गया फिर उससे बातचीत शुरू करना, पुराने वाले को पीछे छोड़ देना, लड़का हो या लड़की हो। और जब शक गहराने लगता है तो सबसे पहले बात शुरू होती है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताओ, हमें देखना है कि क्यों तुम्हारा व्यवहार एकदम बदल गया है, या फिर सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभी बताओ, मैं बताता हूं कि तुम्हारी फलां से क्या बात होती है, और जितना मैंने तुम पर पैसा खर्च किया है वो पैसा वापस करो। ये बड़ा सामान्य सा हो गया है, जो मैंने अपनी नौकरी में तमाम आरोप प्रत्यारोपों से संबंधित इस तरह के अपराध की घटनाओं में देखा है। उसके बाद जब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड में फेल हो जाते हैं, तब कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मोबाइल हाथ लग जाए। एक बार मोबाइल हाथ लग जाए तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाए, बताने के लिए भी और खुद के समझने के लिए भी। और हद मैंने देखी थी अलीगढ़ में, जब मैं एसएसपी अलीगढ़ था, तो एक लड़के ने किसी लड़की पे शंका के आधार पर ही उसकी मोबाइल को लेने की, छीनने की तमाम कोशिशें की, धोखा देके उठा लेने की। जब कामयाब नहीं हुआ तो प्रोफेशनल चेन स्नेचर्स या प्रोफेशनल फ़ोन स्नेचर से उसने संपर्क किया, दिखाया कि लड़की इतने बजे एएमयू से बाहर निकलती है और इतनी दूर पे जाके वो टेम्पो टैक्सी या अपनी वो इस्तेमाल करती है, इस बीच में वो कोई कॉल आती है तो वो बात ज़रूर करती है, हमेशा वो दाहिने फोन से दाहिने कान में लगा कर चलती है, फला जगह से फला जगह के बीच में इसे छीन लिया जाए, और उसके लिए मोटी रकम दी गई थी और उसका फोन छीन भी गया, मुकदमा भी लिखा गया। वो गिड़गिड़ाती रही कि साहब हमारा फोन कैसे भी मुझे दिला दीजिए, मेरे लिए डाटा बहुत ज़रूरी है।
मोबाइल का लॉक तोड़ने वाले हर चौराहे पर हैं। मोबाइल लॉक तोड़वा के और उसके कंटेंट जिसके चक्कर में वो था वो उसको मिल गया। तो मैं किस्सा कोई परिवार से यही कहूंगा कि अगर आपके मोबाइल में इतने रहस्य भरे हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, अगर किसी दूसरे को वो रहस्य पता लग जाए, किसी दूसरे का मतलब किसी लड़के लड़की पति पत्नी भाई बहन किसी दूसरे को पता लग जाए तो जीवन में कठिनाई होगी। और आपको पता है कि ये रहस्य हमारे मोबाइल फोन में हैं, तो उसका सार्वजनिक इस्तेमाल कभी न करें। आते जाते सड़क पर चलते आप ऐसे लगाए हुए हैं, बगल से मोटरसाइकिल से आया छीन के ले गया, ऐसे किसी को जिससे आप वो रहस्य शेयर नहीं कर सकते उससे बातचीत करते समय उसी के सामने मोबाइल पे लगाया, हाथ पकड़ के उसने छीन लिया। कतई सार्वजनिक इस्तेमाल न करें अगर आप जानते हैं या आप ही जानते हैं कि आपके पास कौन से रहस्य आपके मोबाइल फोन में कैद हैं, कौन सी बातें किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, किसी तीसरे के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, आपसे भी किसी को नहीं पता है। लेकिन आप लोकल ट्रेन में चलेंगे, बस में चलेंगे, टैक्सी में चलेंगे, आप बात करें सुरक्षित, जब अपने आप को सुरक्षित कर लें तब बात करें, तब उसका इस्तेमाल करें। फिर इत्मीनान से जब आप शांति में हों, जब आप घर पे हों, तो आप उससे चाहे जो करें। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप तमाम रहस्य लेकर अपने मोबाइल में घूम रहे हैं तो पता नहीं किसकी नज़र आपके मोबाइल के कंटेंट में है, मोबाइल पर नहीं मोबाइल के कंटेंट पे है। इसलिए उसका इस्तेमाल करते समय आप सावधानी जरूर बरतें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।